हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे नमकीन मछली। ये बनाना बहुत आसान है और आप इसको बना के काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और एज अ इवनिंग स्नैक कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच अजवाइन और 1/4 कप देसी घी चाहिए। सबसे पहले हम एक बोल में मैदा लेंगे, उसमें नमक और अजवाइन डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और अजवाइन अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे और घी डाल के हम इसको अपने हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको अपने हाथ में पकड़ेंगे। अगर ये हमारे हाथ की शेप ले ले, इसे हम मुठमोइन भी कहते हैं, तो हमारा आटा तैयार है गूंदने के लिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है हमें, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एयर अबाउट मुझे 1/2 कप पानी मैंने यूज़ कर लिया है। आप इसको अच्छे से गूंदिए। बीच में अपने हाथ को आप पानी से गीला करते रहिए अगर गूंदने में मुश्किल आए। इस आटे को हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक गूंदेंगे। ये आटा हमारा ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। अच्छे से गूंदने के बाद अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसको हम किसी कपड़े से या प्लेट से कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब 20 मिनट के बाद हम इसको एक बार फिर से इस तरह से पंच करेंगे और इसको हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, इतनी इतनी सारी लोइयां बना लेंगे हम। उसके बाद हम इसको राउंड शेप देंगे, छोटी छोटी बॉल्स में इसको राउंड करेंगे। सारे जो छोटी लोइयां हैं इनको हम राउंड शेप कर देंगे छोटे बॉल्स में। इस तरह से हमने इनकी सबकी छोटी बॉल्स बना ली हैं। एक लोई लेके उसको हम राउंड बेलेंगे। हमें इस तरह से इसको बेलना है। हमें इसको चारों तरफ से एक समान गोल बेलना है, कहीं पे ज़्यादा मोटी या पतली नहीं करनी है। और फोक की मदद से हम इसके अंदर इस तरह से छेद डालेंगे। इसी तरह से हम बाकी लोइयां भी बेलेंगे और ये हमारी कुछ मैंने लोइयां बेल ली हैं। और ऐसे अब हम इसको बिल्कुल मीडियम हॉट तेल पे हम इसको फ्राई करेंगे और हमारी फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी। हम इसको इस तरह से डाल देंगे जितनी आ सके एक टाइम पर, और हम इसको तभी फ्लिप करेंगे जब हमारी ये सिक्के ऊपर फ्लोट करके आ जाएंगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से आ गई हैं ये। अब इसको हम पलट देंगे। हमें अपनी फ्लेम लो ही रखनी है, लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे, फ्राई करेंगे। देखिए हमें इसको फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन तक। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमें से, जस्ट हल्का सा ब्राउन कलर इसमें आ जाए। हमें फ्लेम लो ही रखनी है। कम से कम इसे 4 से 6 मिनट लगेंगे हर एक बैच को फ्राई होने में। देखिए कितने अच्छा रंग आ गया है इसके अंदर। अब हमारी मछलियाँ तैयार हैं और हम इसको अब बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल के हम एक टिश्यू पेपर पे इसको रख लेंगे और इसी तरह से बाकी सारी मछलियाँ भी हम अपनी फ्राई कर लेंगे। इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हुआ है इसका। मैं आपको एक को ब्रेक करके दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी मछली। आप इसको बिल्कुल ठंडा करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।